तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हमें यहाँ चाहिए ये यह सारी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की आइडेंटिटीज़ है वो यहाँ राइट right के लिए और ये हमारी थ्री जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी वो मैंने यहाँ पर राइट की जब भी जरूरत होगी हम इसको यूज़ करेंगे तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पे पैरिंग बनाना समझ में आना चाहिए कि एंगल की पैरिंग कैसी बन रही है जैसे या फिर जैसे देखो साइन को चेंज करके कॉस बनेगा कॉस को चेंज करके साइन बनेगा तो किसको चेंज करने पे कौन किससे क्योंकि यहाँ सभी यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो क्या पता है यहाँ पे इनमें से कोई आइडेंटिटी बन जाए उनकी वैल्यू हमारी वन हो जाए या फिर वो कैंसिल होके सॉल्व हो जाए वो हमें देखना है तो हम इसमें ये फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं सेकेंड वाला बाद में करेंगे फिर दोनों की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो आप यहाँ पे देखो पैरिंग कैसे बन रही है कॉम्प्लीमेंट्री कौ, कौ, एंगल क्या होते हैं वो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है तो आप यहाँ पे देख लो ये हमारे पास चार एंगल है इसमें से आप देखो किन दो को सम करने पर आपका 90 बन रहा है तो यहाँ 63 थ्री प्लस ट्वेंटी हमारा 90 नहीं होता है और 66 सिक्स प्लस ट्वेंटी भी 90 नहीं है बट 63 थ्री प्लस ट्वेंटी हमारा 90 है और 24 फोर प्लस सिक्सटी हमारा 90 है तो आप यहाँ पे क्या करो ये कॉसेक है और ये टेन है तो आप ये रिलेशन देख लो ये कौसेक, कौसेक को चेंज करोगे आप तो यहाँ सेक बन जाएगा और तो सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी हमारा वन नहीं होता है तो क्योंकि ये चेंज करोगे तभी तो एंगल हमारा यहाँ ट्वेंटी सेवन आ जाएगा तो फिर आप यहां पे देखो कि हम यहाँ पे यहां पे टेन uh, को चेंज करके हमारा कॉट हो जाता है कॉसिक को चेंज करके हमारा हो जाता है तो हम या तो न्यूमरेटर को चेंज कर देते हैं या डिनोमिनेटर को कर क्योंकि को को चेंज 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 हैं क्योंकि हो हो जाएगा को करके हो जाएगा करके या फिर अगर डिनोमिनेटर में देखें तो कॉट को चेंज करेंगे कॉट को चेंज करेंगे तो टेन हो जाएगा देखो कॉट नाइनटी माइनस हमारा टेन होता है और सेक नाइनटी माइनस रेटा हमारा कॉसिक होता है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमारे सेम हो जाएंगे तो इस तरह से आपको यहां पर रिलेशन देखना है कौन सा किससे कैसे सॉल्व होगा

ट्वेंटी तो सेवन थीटा तो हमारा हो गया टेन स्क्वायर नाइनटी माइनस सिक्सटी सिक्स ओके तो ये और डिनोमिनेटर हमारा यहां पे सेम रहेगा कॉड स्क्वायर सिक्सटी सिक्स डिग्री ये डिग्री और ये हमारा हो गया सेक स्क्वायर ट्वेंटी सेवन डिग्री तो ये आइडेंटिटी से देखो ये स्क्वायर अभी आप इसके साथ लगा हुआ है तो स्क्वायर इसके साथ ही रहेगा अगर कॉसेक 90 माइनस थीटा हमारा सेक थीटा होता है तो इसका न्यूमरेटर हमारा चेंज होके हो जाएगा सेक स्क्वायेयर थीटा थीटा कौन है हमारा ट्वेंटी सेवन नाइन्टी माइनस थीटा है तो थीटा आ रहा है इसके साथ में तो यहाँ भी थीटा तो यह आएगा तो ये हो गया ट्वेंटी सेवन डिग्री फिर टेन 90 माइनस थीटा तो ये देखो टेन 90 माइनस थीटा हमारा कॉर्ट थीटा होता है तो ये हमारा हो गया स्क्वायर पहले से थीटा है तो डिग्री और हमारा है यहां, में, तो ये स्क्वायर सिक्स प्लस ट्वेंटी सेवन है जैसे टू प्लस थ्री है चाहे टू प्लस थ्री करो चाहे थ्री प्लस टू करो आंसर फाइव ही आना है तो मैं सेक को पहले लिख देती हूँ जो मैं, जैसे हमारा न्यूमरेटर है उसी तरह से मैं डिनोमिनेटर को भी लिख देती दे हूँ तो ये हमारा हो गया सेक्स स्क्वायर डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर सिक्सटी सिक्स डिग्री तो देखो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर सेम है तो ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा जैसे कि टू बाय टू वन होता है तो यहाँ आंसर हमारा हो गया वन इसको हम इक्वेशन वन ले ना हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं ओके तो ये हमारा यहाँ पे सेकेंड पार्ट है अब इसको कैसे सॉल्व करना वो आप देखो यहाँ पे तो ये हमारा साइंस स्क्वायर थीटा है और ये कॉस सिक्सटी थ्री साइन ट्वेंटी सेवन है तो आप इन दोनों में क्या रिलेशन क्योंकि साइन का कॉस के साथ ही रिलेशन होगा साइन नाइन्टी माइनस सीटा कॉस होता है और कॉस नाइन्टी माइनस सीट साइन होता है अगर ये यहां पे साइंस स्क्वायर थीटा है तो यहां पे आइडेंटिटी देखो साइंस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा वन होता है तो साइंस स्क्वायर थीटा हमारे पास है अगर यहाँ से कॉस स्क्र थीटा आ जाता है तो दोनों मिलके हो जाएंगे वन तो वो कैसे आएगा क्योंकि यहां साइंस स्क्वायर सिक्सटी थ्री डिग्री है ये कॉस सिक्सटी थ्री क्योंकि थीटा सेम होना चाहिए तो हम साइन को अगर यहाँ पे चेंज करते हैं तो साइन चेंज करके हमारा क्या हो जाएगा यहां पर कॉस हो जाएगा तो कॉस इंटू कॉस हमारा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो इसके लिए हम ट्वेंटी सेवन की जगह क्या पुट करेंगे जो कि ट्वेंटी सेवन और 63 का पैर के नाइन्टी हो जाता है तो ट्वेंटी सेवन की जगह हम क्या ट्वेंटी सेवन इक्वल टू 90 माइनस थ्री हो जाएगा तो ये हमारा हो गया इक्वल टू साइन स्क्सटी थ्री डिग्री प्लस कॉस सिक्सटी थ्री डिग्री एज इट इज साइन ट्वेंटी सेवन की जगह ट्वेंटी सेवन की जगह हम पुट करेंगे नाइन्टी माइनस सिक्सटी थ्री डिग्री तो ये हमारा कॉस हो जाएगा साइन नाइन्टी माइनस थीटा कॉस थीटा होता है थीटा सेम है तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन के वन हो जाएगा ठीक है प्लस अब यहां पे देखो ये साइन है और ये सेक है अब इनको कैसे सॉल्व कर रहे हैं सोल्व करने का मतलब यह है कि यहां पे पूरा कैंसिल होके एक किस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू आ जानी चाहिए तो अगर मैं साइन को चेंज करती हूँ तो साइन हमारा चेंज होके कॉस हो जाता है और हमें पता है कि जो सेक थीटा होता है वो वन बाय कॉस थीटा होता है या फिर जो कॉस थीटा होता है वो हमारा वन बाय सेक थीटा होता है तो अगर यहां पे कॉस आ गया तो यानी कि सेक यहां पे साइन की जगह अगर कॉस आ गया तो कॉस हमारा सेक से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कॉस

थीटा होता है तो यहाँ पे भी सेम रूल लग जाएगा ये दोनों कैंसिल होकर हमारे वन हो जाएंगे तो दोनों में से आप किसी एक को चेंज कर लो चाहे साइन को चेंज कर लो चाहे सेक को चेंज कर लो तो मैं यहाँ पे सेक को चेंज कर लेती हूँ साइन को हम इज रखेंगे साइन ट्वेंटी सेवन डिग्री एज एटेज सेक सिक्सटी थ्री तो हमें पता है सिक्सटी थ्री जो होता है वो नाइनटी माइनस ट्वेंटी सेवन होता है तो ये हमारा हो गया 90 माइनस ट्वेंटी सेवन ओके तो इस तरह से वन बाय वन पैरिंग देखें इनका इससे पैरिंग होकर सॉल्व हो रहा है इसका इससे पैरिंग होकर हमारा सॉल्व हो रहा है अब डिनोमिनेटर हम यहाँ पे देखते हैं ये कॉसिक माइनस और टेन है यहाँ पे तो आप यहां पे देखो आप टेन को चेंज करते हो तो कॉट आ रहा है तो आप यहां पे देखो कॉसेक और कॉट की हमारी आइडेंटिटी है में बीच में माइनस का साइन भी है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हमारे पास है माइनस हमारे पास है हम टेन को चेंज कर देते हैं कॉट में तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हमारा यहां पे क्या हो जाएगा वन हो जाएगा तो दोनों में से आप किसी एक को चेंज करो टेन को चेंज करोगे तब भी आइडेंटिटी बन रही है कॉसेक को अगर आप चेंज करती हो तो ये सेक हो रहा है और हमें पता है कि सेक में भी हमारी आइडेंटिटी होती है सेक्क स्क्र थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बस आपको पैरिंग बनानी है पैरिंग

Square 65 degree as it is, minus square 25 की जगह हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं नाइनटी माइनस सिक्सटी फाइव तो ये हमारा हो गया नाइनटी माइनस सिक्सटी फाइव डिग्री ओके अब आपको यहाँ से सीधा यहाँ से वैल्यू देख के फॉर्मूलास देख के यहाँ पे चेंज कर देना तो ये साइन square थ्री को हमने कुछ नहीं किया ये एज इट इज कॉस 63 थ्री यहाँ पे एज इट इज डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो यहाँ पे भी हो गया कॉस 63 थ्री डिग्री फिर प्लस साइन 27 सेवन डिग्री हमारा एज इट इज सेक 90 माइनस थीटा हमारा कॉसेक थीटा होता है तो ये हमारा कॉसेक हो गया थीटा हमारा यहाँ पे 27 सेवन डिग्री फिर डिनोमिनेटर में टू कॉसिक स्क्र सिक्सटी फाइव डिग्री माइनस टेन नाइन्टी माइनस थीटा हमारा कॉट होता है तो ये हमारा हो गया कॉट स्क्टा कितना हो गया सिक्सटी फाइव डिग्री ओके अब आप यहाँ पे जो भी आपको आइडेंटिटी लग रही है जो यहाँ ऊपर से है या इनमें से वो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं तो ये हो गया साइंस स्क्वायर सिक्सटी थ्री डिग्री कॉस इन कॉस हो गया हमारा कॉस स्क्र सिक्सटी थ्री डिग्री फिर हमारा साइन साइन को हम यहाँ पे वन बाय कॉसिक करें या कौसिक को वन बाय साइन करें वो हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे कॉशिक को हम राइट कर सकते हैं ये हमने लिखा वन बाय साइन ट्वेंटी सेवन डिग्री फिर ये हो गया कॉसिक स्क्वायर थीटर माइनस क्या हो रही है वन टू इंटू वन क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी बाय आइडेंटिटी से कितनी होती है वन और ये भी हमारी आइडेंटिटी बन रही है इसकी वैल्यू भी हमें पता है कितनी होती है इक्वल टू वन होती है तो ये यह, और यहाँ पे ये यह हमारा इससे कैंसिल हो गया तो ये वन प्लस यहाँ से कैंसिल हो गया तो वन बचा

इक्वल टू टू फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे कितना है तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से वन प्लस वन इक्वल टू टू यानी दोनों का सम जो हमारा आ रहा है सोल्यूशन हमारा आ रहा है इन दोनों का वो कितना आ रहा है वन इतना बड़ा सॉल्व हमें किया आंसर हमारा ओनली वन आ रहा है तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको जब भी आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट ये आपको पेयरिंग बनाना एंगल का देख लो किन दो एंगल का सम नाइन्टी हो रहा है उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चेंज करना है और किसी एक को चेंज करना है दोनों को चेंज नहीं करना है तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें थैंक यू